नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम और अपने इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही अद्भुत विषय पे आज चर्चा करूंगा आपसे। और विषय क्या है? विषय है ब्लड डोनेशन, रक्तदान। रक्तदान को महादान कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है उसी विषय पर आज चर्चा भी करेंगे और कुछ ज्योतिषीय विश्लेषण भी मैं आपको इसको बताऊंगा। देखिए, रक्तदान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा महादान है। रक्तदान के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपके पुण्य कर्म जो है वो बढ़ जाते हैं। आपके दिए गए रक्त से किसी की जान बचाई जा सकती है, और किसी की जान बचाना आज के समय में सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दूसरी बात, अगर मैं इसके ज्योतिषीय विश्लेषण को देखूं, एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट को देखता हूं, तो एस्ट्रोलॉजिकली जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में है, यानी कि जो लोग मांगलिक हैं, उन्हें रक्तदान जरूर करना चाहिए। जिनकी कुंडली के अंदर मंगल खराब है, उन्हें रक्तदान जरूर करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मंगल, देखिए मंगल जो होता है वो रक्त का कारक होता है, और मंगल एक्सीडेंट, सर्जरी, हॉस्पिटल्स और मेडिसिन सब चीजों का कारक भी होता है। और अगर आपकी कुंडली में खराब है तो कई बार क्या होता है कि आपका एक्सीडेंट होकर वहां से खून निकलने की संभावना जो है वो बन जाती है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय जो होता है वो यही होता है कि आपको खुद ही ब्लड डोनेशन कर देना चाहिए। ब्लड डोनेशन करने से जो आपका ये योग बनता है वो टल जाता है, और टलने की वजह से आपको जो बड़ी भयंकर समस्या एक्सीडेंट्स की वजह से या ब्लड के डैमेज की वजह से होनी है वो टल जाती है। तो शारीरिक रूप से देखा जाए, आर्थिक रूप से देखा जाए और मानसिक रूप से देखा जाए, तीनों रूप से ही ब्लड डोनेट करना अपने आप में एक बहुत ही पुण्य कर्म है। एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट्स के हिसाब से पहले, चौथे, सातवें, आठवें और बारहवें भाव के मंगल वालों को 100% रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि ये मांगलिक होते हैं। इन पे मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इनका मंगल बहुत प्रबल होता है। इनका मंगल प्रबल होने की वजह से इनमें ब्लड की जो संख्या होती है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और इनको डोनेट करने से, ब्लड को डोनेट करने से इनकी बीमारियां भी दूर होती हैं, प्लस मेंटली भी ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं। अग्रेशन नहीं आता, जैसे मांगलिक लोगों को अग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं तब आपके अग्रेशन जो है वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई वो ये थी कि आपके ब्लड डोनेट करने से किसी व्यक्ति की जिंदगी बचाई जा सकती है, और ये अपने आप में सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। तो आज ही रक्तदान करें। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग अपने ब्लड को बेचते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने खून को मत बेचें, क्योंकि उससे आपका मंगल खराब होता है। हमें मंगल खराब नहीं करना, हमें मंगल अच्छा करना है। मंगल अच्छा होना यानी कि हमारे शरीर की एनर्जी का बैलेंस होना। इसे दान करें, इसे बेचे नहीं। दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी, मेंटली आप लोग पीस फील करेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी आपकी बॉडी की एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। और खासकर मांगलिक लोगों के लिए ब्लड डोनेशन करना बहुत जरूरी होता है। आज ही रक्तदान करें और दूसरों की जिंदगी बचाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद।